आज तारीख हो चुकी है 13 नवंबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें, 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वह थी कल हुए भारत नीदरलैंड के मुकाबले को लेकर। दरअसल कल वर्ल्ड कप का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला था, भारत नीदरलैंड का ये मुकाबला होता। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने नीदरलैंड को काफी कंफर्टेबली हरा दिया। इसके साथ ही यहाँ पर लीग स्टेज में 9 के 9 मुकाबले टीम इंडिया ने जीत लिए, जबकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने 7-7 मुकाबले जीते, और यहाँ पर न्यूजीलैंड ने यहाँ पर करंटली केवल 6 मुकाबले जीते। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से टीमों की यहाँ पर करंटली सिचुएशन। इसके साथ ही कल केएल राहुल और सुरेश अय्यर की हमें शतकीय पारी देखने को मिली, विराट कोहली इसके साथ ही रोहित शर्मा की और गिल की अर्धशतकीय पारी यहां पर देखने को मिली। तो टीम इंडिया का यहां पर लीग स्टेज का यहां पर कारवां काफी बेहतरीन रहा है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या टीम इंडिया आखिर सेमीफाइनल और फाइनल भी लगातार जीत सकती है या फिर नहीं। इसके साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर हमारी प्रेडिक्शन तो देख पा रहे होंगे। पिछले 7-8 दिनों से हमने जो यहां पर आपको एडवांस में प्रेडिक्शन दे दी, सारी प्रेडिक्शन सही हुई है। जो हमारे टेलीग्राम के यूजर्स है उनको पता है कि जो हम बोलते हैं वही होता है। तो आप फटाफट अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। हमने यहाँ पर फाइनल तक की प्रेडिक्शन दे दी। अब यहाँ पर वर्ल्ड कप के बाद बाकी सीरीज के ऑक्शन की भी हम प्रेडिक्शन देंगे। ऑक्शन से पहले ही हम आपको बता देंगे कौन सी टीम कौन से प्लेयर को परचेस करी, कितने करोड़ में कौन सा प्लेयर बिकेगा, सबसे पहले हम बता देंगे। और जो भी बताएंगे वो यहाँ पर 100% जेन्युइन आपको बताएंगे। और सेमीफाइनल में तो कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी और क्या स्कोर रहेगा ये तक हम बताएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल मुंबई की टीम ट्रेड विंडो में लगातार काफी सारे खिलाड़ियों को ट्रेड करने के लिए यहां पर करंटली टीमों के साथ बातचीत करी है, जहां पर रिपोर्ट है कि इस टीम ने यहां पर पंजाब से खगिस्तो रबाड़ा को ट्रेड यहां पर जोफ राचर के बदले करने की मांग करी। इसके साथ ही गुजरात से यहां पर राशिद खान को ट्रेड करने की मांग करी। तो कुल मिलाकर राशिद खान और यहां पर करंटली रबाड़ा के पीछे ये टीम दिख रही है। हालांकि जोफ्रा आर्चर को अगर कोई भी टीम नहीं लेगी तो वैसे भी उनको तो ये टीम रिलीज करी है, उनके बदले किसी भी हाल में ये टीम करंटली यहां पर विदेशी फास्ट बॉलर को यहां पर देख रही। खगिस्तो रबाड़ा को ये टीम टारगेट करी, और खगिस्तो रबाड़ा S20 लीग में और बाकी लीग्स में मुंबई से खेलते, तो मोस्ट लाइकली शायद ही मुंबई की टीम में आ जाए। कुछ सोर्सेस तो ये भी बता रहे कि राशिद खान को भी ये टीम यहां पर ट्रेड करने को देख रही। तो मुंबई की टीम ने ट्रेड विंडो में एक तरीके से आग लगा रखी है। सबसे अधिक अप्रोच ये टीम करती हुई थी कि आप कमेंट करिए बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या ये ट्रेड यहां पर सक्सेसफुल होनी चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। दरअसल कोलकाता की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पर कल दोपहर में निकल करी, जहां पर आंदर रसल को इस टीम ने यहां पर रिलीज करने का फैसला लिया। हालांकि अभी तक इस टीम ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी, जहां पर रसल को रिलीज करने से पहले रसल के साथ ये टीम आखिरी बातचीत करी होगी। उस बातचीत में रसल से अपनी सैलरी थोड़ा कम करने की ये टीम बातचीत करेगी। इसके साथ ही उनसे कुछ और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग ये टीम बातचीत करेगी। अगर बातचीत दोनों के बीच सेटलमेंट हो जाती है तो कोलकाता की टीम इनको रिटेन करेगी, अदरवाइज आंदर रसल इस टीम से रिलीज हो रही है। पूरी तरीके से कंफर्म्ड और पूरी तरीके से तय नजर आ रहा है। वैसे यहां पर रसल रिलीज होंगे या फिर जो भी अपडेट रहेगा आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले। छोटी छोटी अपडेट बड़ी बड़ी अपडेट सब कुछ आपको वहां पर मिलती है। अब तो हम यहां पर 18,000 सब्सक्राइबर से केवल 200 सब्सक्राइबर दूर है, तो फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आज आपको किसी भी हाल में 18,000 सब्सक्राइबर कराने, 18,000 सब्सक्राइबर कराने पर ही आपको सबसे पहले हम अपडेट देंगे। अदरवाइज आज से टेलीग्राम पर हम अपडेट देना स्टॉप कर देंगे। तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम करंटली आंदर रसल के साथ अप्रोच करी, जहां पर आरसीबी की टीम को पता लगा कि आंदर रसल को कोलकाता की टीम रिलीज करने को देख रही। तो इसी का यहां पर फायदा उठाकर आरसीबी की टीम उनके साथ कॉन्टेक्ट में। हालांकि आरसीबी के साथ शायद वो ट्रेड ना हो, वो कोलकाता के साथ ही यहां पर सेटलमेंट करके रुक जाए, लेकिन कोलकाता की टीम से अगर वो रिलीज होते तो हो सकता है रसल इस साल किसी नई टीम में किसी नई जर्सी में हमें नजर आए। आप कमेंट करके बताइए आप रसल को कौन सी टीम की कौन सी जर्सी में आखिर देखना चाहोगे। अब हम बात करते हैं यहां पर पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स को लेकर। दरअसल यहां पर वर्ल्ड कप के अब केवल 3 मुकाबले बचे, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल अब केवल बचा, और 4 टीमें बची। 4 में से 2 ऐसी टीमें जिन्होंने यहां पर कभी भी यहां पर वर्ल्ड कप नहीं जीता। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीता, और 15 तारीख को भारत न्यूजीलैंड का मुकाबला, 16 तारीख को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का,
और यहाँ पर 19 तारीख को वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। सब कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पर है, हम अपडेट करेंगे और टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लें। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है टीमों के रिलीज और रिटर्न खिलाड़ियों को लेकर। दरअसल करंटली कुछ सोर्सेस से आ रही खबरों के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीमों ने अपने यहाँ पर रिलीज और रिटर्न खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई और यहाँ पर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को लिस्ट सबमिट कर दी है। कुल मिलाकर यहाँ पर लगभग 8 टीमों ने यहाँ पर अपनी तरफ से लिस्ट सबमिट कर दी, बची हुई टीमें आज यहाँ पर लिस्ट सबमिट कर देगी। तो बीसीसीआई को तो आज यहाँ पर सभी टीमों की रिलीज और रिटर्न खिलाड़ियों की लिस्ट मिल जाएगी और यहाँ पर 26 तारीख को ऑफिशियली बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनाउंस किया जाएगा। वैसे कल हमारे यूट्यूब चैनल पर हम सभी 10 टीमों द्वारा रिलीज और रिटर्न खिलाड़ियों के आपको नाम बता देंगे, डिटेल वीडियो बनाकर आपको उसमें सब कुछ बता देंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरफ से। दरअसल रोहित शर्मा और विराट कोहली कल के मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए दिखे थे, जहां पर टीम इंडिया के यहाँ पर सेलेक्टर अजीत अगरकर ने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करते हुए कहा था कि अगर वर्ल्ड कप में जरूरत पड़ेगी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली गेंदबाजी करेंगे। कल रोहित शर्मा और विराट कोहली, इवन सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल ने भी गेंदबाजी करी थी और रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तो कल विकेट तक लिए थे। तो कुल मिलाकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस इनका बल्ले के साथ तो था, अब गेंद के साथ भी अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा। होपफुली अगर यहाँ पर सेमीफाइनल फाइनल में अगर यहाँ पर इनकी अगर जरूरत पड़े या फिर कमी महसूस हो, होपफुली यहाँ पर ये परफॉर्मेंस डिलीवर करने में सक्सेसफुल रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपने इनकी बॉलिंग को कल एंजॉय किया था या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है गुरबाज की तरफ से। दरअसल गुरबाज जो कि यहाँ पर अब अफगानिस्तान के बाहर होने के बाद यहाँ पर कल के दिन वो घर लौटे, लेकिन घर लौटने से पहले यहाँ पर अहमदाबाद में यहाँ पर जो यहाँ पर रोड के पास जो फुटपाथ पर लोग सोए रहते हैं, जो यहाँ पर भिखारी सोए रहते हैं, उनको इन्होंने यहाँ पर वो सोते सो रहे थे उनको बिना डिस्टर्ब किए 500 रुपये हर भिखारी के पास इन्होंने रख दिए। सुबह जब उठे थे तो उनको दिवाली के दिन बड़ा सरप्राइज मिला था, तो रिजवान का यहाँ पर ये गेस्चर फैंस को और लोगों को काफ़ी अधिक पसंद है, इनको काफ़ी अधिक अप्रिशिएट किया गया, काफ़ी अधिक लाइक किया गया है। आप कमेंट करके बताइए आपको इनका गेस्चर अच्छा लगा है या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।